नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली का। वहां से संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, देखिए आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट डाला है और सभी सदस्य पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या जानकारी? दस अगस्त को समाप्त हो रहा है, ऐसे में वेंकैया नायडू के बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, ये तस्वीर भी आज साफ हो जाएगी। अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो वोटिंग है वो जारी है। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। इसके बाद चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी आज ही आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर बात कर ले तो एनडीए ने जगदीप धनखड़ को और विपक्ष ने मार्गेटा अलवा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि रेस में अगर देखी जाए तो उपराष्ट्रपति पद की रेस में जो धनखड़ हैं वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो बहुत अधिक वोटों से, 395 से अधिक वोटों से जो है वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी शनिवार को राजधानी दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं वो सब उनके साथ आज बैठक होने जा रही है और बैठक आज शाम तकरीबन 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में होगी। अब आपको बता दें कि इस साल देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, जिसके चलते घर घर जो है झंडा अभियान भी चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का चलाया जा रहा है। अभियान के तहत देश भर में रैलियां, नुक्कड़ नाटक और देशभक्ति का संदेश देने के लिए कई तरीके के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इसी को लेके जो है आज ये बैठक की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो जिन जो देशवासियों से प्रधानमंत्री की अपील भी की गई थी कि जितने भी अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं सभी के ऊपर अपनी जो डीपी है वहां पे तिरंगे की तस्वीर लगाई जाए और 13 से 12 अगस्त तक अपने सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाए। इसी मुहिम को लेके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शुक्रवार देर शाम दिल्ली आ चुके हैं और 9:30 बजे वो नीति आयोग की रविवार को होने वाली बैठक में वो हिस्सा लेंगे। वहीं दिल्ली पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन अगर दिल्ली में सबसे अहम खबर के ऊपर बात की जाए, राष्ट्रपति चुनाव के अलावा अगर अहम खबर पर बात की जाए तो दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोरोना के मामले अब दिल्ली के अगर पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 2419 मामले सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और 2 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। और जो फीस भी है, जो इसकी बढ़त की फीस भी है, वो भी अब 12.95% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी चलिए गजेंद्र, आप खबरों पर नजर बनाए रखिए। रुक कर लेते हैं लखनऊ का। वहां से संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिकेत, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें लखनऊ की रहने वाली है? सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर भी रहने वाले हैं, इसको लेकर के क्या अपडेट, अभी क्या जानकारी? देखिए आयुषी, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो 2 बजे के बाद उनको दिल्ली पहुंचने का समय वो निर्धारित है। हालांकि आज जो अमृत महोत्सव उसको लेकर आज बैठक होनी है और जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार ये 75 साल आजादी के पूरे होने के बाद में अब पूरे देश भर में उन्होंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है कि जितने भी देशवासी हैं वो सभी लोग अब झंडा राष्ट्र ध्वज लगाए तो उसको लेकर आज अमृत महोत्सव की जो बैठक है उसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिस्सा लेने वाले हैं। आयुषी, उसके बाद अगर बात की जाए कल की तो कल जो नीति आयोग की बैठक होगी उसमें भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर जो प्रदेश सरकार काम कर रही है, जो योजनाएं लगातार लाई जा रही है उसको लेकर क्या कुछ कयास या क्या कुछ फोरम पूरा किया गया, क्या खाका तैयार किया गया उसको लेकर मुख्यमंत्री पूरा प्रेजेंटेशन उस बैठक में साथ काउंसिल की जो बैठक होगी उसमें सामने रखेंगे। आयुषी, इसके साथ अगर बात की जाए जो अमृत महोत्सव की जो शुरुआत है वो आज आगरा में होने जा रही है और खुद जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह
वो वहां पर पहुंच के उसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि ब्रजेश पाठक जिसके सीएम भी वहां पहुंचेंगे और खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस 3 दिवसीय चलने वाले कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और एक बड़ी खबर और आयुषी बता दें कि अयोध्या में जो आवास विकास परिषद है वो 1200 करोड़ से एक डेवलपमेंट प्लान तैयार कर रहा है और जल्द ही ग्लोबल स्तर पर उसका टेंडर भी किया जाएगा। तो ये जो बड़ी खबरें हैं अयोध्या से, एक जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अयोध्या में एक बड़ा विकास लगातार प्रयास करने का जो प्रदेश सरकार का जो प्रयास है उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा आयाम देने की जो कवायद है वो लगातार देखने को मिल रही है। आयुषी जी चलिए अनिकेत, आप खबरों पर नजर बनाए रहिए, रुक करेंगे आपका। चलिए रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का, वहां से हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर लाइव बनी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें चंडीगढ़ की रहने वाली है? अगर बात करें तो आज उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर के भी प्रक्रियाएं तेज नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने भी वोट डाला, अभी क्या तमाम बड़ी अपडेट आज की चंडीगढ़ की रहने वाली है? जी बिल्कुल आयुषी, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव चल रहे हैं पूरी नज़र यहाँ पर टिकी हुई है। हालांकि पूर्ण बहुमत से माना जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उनकी यहाँ पर जीत निश्चित मानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास पूर्ण उतने सांसद हैं जितनी की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्योंकि एनडीए की अगर बात करें तो यहाँ पर मुकाबला रोचक तो ज़रूर है, लेकिन अभी से कहीं ना कहीं ये पता चल रिजल्ट यानी शाम 5 बजे तक आना है, लेकिन इससे पहले ही ये पता चल चुका है कि यहाँ पर जो जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी जीत निश्चित ही होगी। और यहाँ पर देखिए, जगदीप धनखड़ को जिस तरीके से एनडीए ने उम्मीदवार बनाया, खासतौर से अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अब आगामी चुनावों को लेकर बड़ी फूक फूक से चल रही है, क्योंकि 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें या फिर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर भी चुनाव होने हैं, और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, और उसी के साथ लोकसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ के जरिए जाट जो समुदाय है, जाट वोट बैंक है, उस पर कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश यहां पर बीजेपी की तरफ से की गई है। क्योंकि अगर हम खासतौर से हरियाणा सूबे की बात करें तो यहां पर और राजस्थान में कई ऐसे जाट हैं जो नाराज चल रहे थे कृषि कानूनों को लेकर, और जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन भी हुआ था उसमें जाट जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। और यही वजह है कि जगदीप धनखड़ जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, चाहे आप उनकी वकालत को लेकर देख लीजिए या फिर उनकी सियासत को लेकर, तो जगदीप धनखड़ के जरिए कहीं ना कहीं सियासी जमीन यहां पर बिछाने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर, ताकि जो जाट वोट बैंक है हरियाणा और जो राजस्थान है वहां पर सेंध लगाई जा सके। और ऐसे में क्योंकि बीजेपी तो पहले से ही ये कह चुकी है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ भले ही उतारे गए हों लेकिन उनकी जीत निश्चित है, ऐसे में जो विपक्ष है उन्हें अपने उम्मीदवार को पहले ही विड्रॉ कर देना चाहिए। लेकिन इस वक्त वोटिंग जारी है, 5 बजे नतीजे आने हैं, तो ऐसे में देखना भी होगा कि पूरे देश भर में जिस तरीके से राष्ट्रपति जब चुनी गई थी उनके लिए एक भव्य तरीके से आयोजन किया गया था, क्या उसी तरीके का होता है? क्योंकि एक तरीके से जब राष्ट्रपति चुनी गई थी उस दौरान भी कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से देश को एकजुट करने के लिए, और अब जगदीप धनखड़ को जब उतारा गया है तो भले ही जाट समुदाय को सेंध करने की यहां पर कोशिश की गई है, लेकिन एक संदेश यहां पर बीजेपी जरूर देती हुई नजर आएगी, शाम होने का इंतजार रहेगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें, देखिए आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, और ऐसे में इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है उसे अमृत महोत्सव के तौर पर केंद्र सरकार मनाने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। 13 से 15 अगस्त तक हालांकि हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन होगा, लेकिन अभी से जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। लेकिन इसी के साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्ना हो गई हैं, और यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी वारदात होते होते रह गई है, क्योंकि यहाँ पर एक आतंकी को पकड़ा गया है जो कि पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है, शमशेर सिंह, जिसे हरियाणा पुलिस की तरफ से एसटीएफ की तरफ से 10 दिन के रिमांड ले लिया गया है। कुरुक्षेत्र में उसकी तरफ से शाहबाद की जीटी रोड में बॉम्ब फिट किया गया था, और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वहां से बॉम्ब और 1.5 किलो के करीब आरडीएक्स बरामद किया है। और अभी जो पूछताछ में पता चल पाया है उसके मुताबिक पाकिस्तान का लिंक यहां पर सामने आ रहा है, और अभी जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 15 अगस्त को दिल्ली और हरियाणा में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश थी जिसे काफी हद तक नाकाम कर दिया है हरियाणा पुलिस ने। अब पंजाब
पंजाब पुलिस भी यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर कोशिश कर रही है, तलाश कर रही है। जो शमशेर सिंह पकड़ा गया है आतंकी, उसके कौन कौन से साथी हैं उन्हें भी पकड़ने की यहाँ पर धरपकड़ यहाँ पर जारी है। लेकिन एक NIA की अगर बात करें, NIA की तरफ से भी हाई अलर्ट पर दिल्ली को रख दिया गया है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा भी अलर्ट पर है। जिस तरीके से अमृत महोत्सव मनाया जाना है और उदयपुर की घटना हुई थी उसी को लेकर पहले ही केंद्रीय एजेंसियां कह चुकी हैं कि जो आतंकी गतिविधियां हैं यहां पर हो सकती है, क्योंकि जो बड़े आतंकी संगठन हैं वो इस फिराक में है कि अशांति यहाँ पर देश में फैलाई जाए इस 15 अगस्त को लेकर। और इसी को लेकर देखिए बहुत बड़ी बरामदगी यहाँ पर हुई है विस्फोटक सामग्री की, तो यहाँ पर जांच अभी भी जारी है। और कहीं ना कहीं आयुषी ये चिंता का विषय है क्योंकि पंजाब बॉर्डर एरिया है और पाकिस्तान से सटा है, और वहाँ जितने भी बॉर्डर एरिया में गाँव पड़ते हैं वहाँ के युवाओं को ड्रग्स और पैसे देकर ड्रोन के माध्यम से जो पाकिस्तान से आतंकी हथियार यहाँ पर भेजते हैं वो आगे भेजने का काम किया जाता है। तो यहां पर अभी भी संवेदनशील बना हुआ है और हाई अलर्ट पर यहां पर हमेशा ही होता है कि देश को रखा जाता है, लेकिन इस बार कहा गया है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से पुलिस को भी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बार होने चाहिए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। लेकिन अभी भी जो चीज़ें हैं लगातार जारी है। और साथ लगते पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 4 महीनों में काफ़ी आतंकी गतिविधियाँ देखने को मिली है, तो काफ़ी ये चिंता का विषय भी है क्योंकि 15 अगस्त के लिए दिन काफ़ी कम रह चुके हैं और अमृत महोत्सव के तौर पर जब इसे मनाया जाएगा तो हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर हाई अलर्ट और पुख्ता इंतजाम करने के भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। ये तमाम वो खबरें हैं आयुषी जिस पर नजर रहेगी। जी चलिए ईशा, बने रहिए हमारे साथ, सभी रिपोर्टर्स बने रहिए, रुक करेंगे आप सभी का। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, वहां से संवाददाता स्वप्निल दुधारे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्वप्निल, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें महाराष्ट्र की रहने वाली है? और अगर मौसम की बात कर ले तो लगातार महाराष्ट्र में देखा गया कि कई दिनों से बारिश जारी था, लोग परेशान नजर आ रहे थे, अभी स्थिति क्या बनी हुई है, क्या जानकारी अभी? आज की तो बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर है। इसी संभावना है कि इस स्थान पर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा होगी और आज कहा जाता है कि भाजपा का मंत्रिमंडल का सूची तय हो गया है, बस अब दिल्ली में मुहर लगना बाकी है। संभावना यह भी है कि सिंधी समूह के पहले मंत्रियों को मौका मिलेगा और ऐसे संकेत भी है कि उनको अब अच्छे स्थान की अपेक्षा है। देखा जाए तो दूसरी तरफ अपने शिवसेना में फूट होने के बाद अब उद्धव ठाकरे के दूसरे पुत्र मतलब दूसरे बेटे तेजेश ठाकरे को अब राजनीति में आने की संकेत दे रहे हैं। बालासाहेब ठाकरे ने भी उनकी भविष्यवाणी की थी कि तेजेश में उनका स्वभाव बिल्कुल मेरे तरह है और वह एक दिन राजनीति में प्रवेश करेगा और आज वह दिन आ गया है ऐसा दिख रहा है। दूसरी इससे भी बड़ी खबर यह है कि आज संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को अभी ED के पूछताछ कार्यालय के लिए वो निकली है और उनको आज 11 बजे पूछताछ की जाएगी। बारिश का रूप देखा जाए तो मुंबई और नवी मुंबई में भारी बारिश शुरू है और कोकण, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आयुषी जी, स्वप्निल लेके अगर बात करें महाराष्ट्र में तो बारिश का दौर लगातार देखने को मिला है, अभी फिलहाल स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है? किसानों को भी काफी लॉस हुआ था, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, अभी क्या बारिश की वजह से काफी हानि देखने को मिल रही है कि अभी सुधार देखने को मिल रहा है? इसके पहले की 5 दिन पहले बारिश रुकी थी और मुख्यमंत्री ने सभी जगह पे जाके दौरा किया है और उन्होंने सारे किसानों को जाके पूछताछ भी की है। बहुत जगह पे बहुत नुकसान होने के बाद भी किसान है उनको नुकसान की जो भरपाई है वो देने की कोशिश सरकार कर रही है और उसके बाद 5 दिन के राहत के बाद अभी बारिश वापस शुरू हुई है और देखा जाए तो कोकण, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों में तो भारी बारिश होने वाली है। उसमें देखा जाए तो विदर्भ को भी अलर्ट जारी किया है। वैसे ही मुंबई और नवी मुंबई में तो तेज बारिश है लेकिन किसानों को यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार ना होने के कारण यहाँ पे किसान परेशान है। अभी तो देखा जाए तो सचिव जो है मंत्रालय में जो कारोबार है प्रशासन को दिया जा रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक हुआ नहीं है। इससे सबसे बड़ा फेस करना पड़ रहा है किसानों को क्योंकि किसान को मदद करने के लिए तो प्रशासन हाँ कर रही है लेकिन यहाँ पे कोई उनके लिए कोई दाता और कोई किसान का मंत्री यहाँ पे नहीं है। जी देखिए स्वप्निल, जिस हिसाब से अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिल सकती है, इसको लेकर के भी कोई अपडेट आपके पास?
अभी देखा जाए तो भाजपा का जो सूची है वो तो तैयार है और इसमें भाजपा अभी जो नए भाजपा कार्यकर्ताओं को यहाँ पे वही स्थान देने की सोच रही है। और देखा जाए तो सिंधेगढ़ के जो भी पहले मंत्री थे उनको ही मंत्री पद वापस दिया जाएगा ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार न होने के कारण पूरे महाराष्ट्र में अभी ये पता नहीं चल रहा है कि आने वाले मंत्री कौन है। जी चलिए स्वप्न लाभ बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं दिल्ली का, वहां से गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए। गजेंद्र अभी क्या जानकारी मिल पा रही है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वोट डालने के लिए और सभी सदस्य में भी काफी उत्साह देखने को मिला वोट डालने के लिए, अभी वहां से क्या तस्वीरें क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले तो उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग हो रही है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री ने भी वोट डाल दिया है, लगातार जितने भी सांसद हैं जितने भी पहुंच रहे हैं सभी वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं ये, और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और आज ही चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे, जिसको लेके लगातार एनडीए में उत्साह दिख रहा है, क्योंकि एनडीए के जो उम्मीदवार है जगदीप धनखड़ तो उनकी जीत जो है वो लगभग सुनिश्चित बताई जा रही है, क्योंकि 395 से ज्यादा का जो वोट है वो उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी को लेके अभी से ही लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है और लगातार अभी वोटिंग चल रही है, वोटिंग के लिए सभी जितने भी सांसद हैं मनोनीत सांसद हैं वो सभी वहां पे पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं, खास साई से खास तरीके से वोटिंग की जाती है, वोटिंग अभी चल रही है, शाम 5 बजे तक ये भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि देश के जो अगले उपराष्ट्रपति हैं वो कौन होने वाले हैं। हालांकि अगर हम आंकड़ों को देखें और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं देहरादून का, वहां से हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा लाइव बने हुए। उपेंद्र आज की क्या तमाम बड़ी खबरें देहरादून की रहने वाली हैं? अगर बात करें मौसम की मिजाज की तो लगातार कई दिनों से बारिश देखने को मिला था, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट भी जारी किया गया था, अभी फिलहाल क्या अपडेट और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें? देखिए आशीष, सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से दिल्ली दौरा है और आज वो दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्य समिति बैठक में वह हिस्सा लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के नारे के साथ जो है अभियान जो है चलाया जा रहा है और हर घर में जो है भाजपा की ओर से जो है तिरंगा फहराया जा रहा है, इसको लेकर ये अभियान जो है लगातार चल रही है और जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक आज जिस प्रकार से होनी है तो मुख्यमंत्री उसमें भाग लेंगे, उसमें यह तय होगा कि किस तरीके से हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा अभियान को जो है वो चलाना है, किस तरीके से उस पर काम होना है, क्योंकि 13 से 15 अगस्त के बीच जो है ये अभियान जो है पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश भर में जो है ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, तो यानी कि उत्तराखंड में किस तरीके से इस अभियान को चलाया जाएगा, कितने परिवारों के घर पर यह तिरंगा जो है ये फहराया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज कार्य समिति की बैठक हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं ये चर्चा होगी। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं केएस राजू, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिस प्रकार से नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने ये पद से जो है वो इस्तीफा दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में जिस प्रकार से पेपर लीक मामले में धांधली हुई है उसमें हालांकि अभी तक एसटीएफ पुलिस की ओर से 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी कई और लोगों के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि कई सफेदपोश लोग भी जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं, तो इसको लेकर भी लगातार जो है एसटीएफ की ओर से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि एसटीएफ का कहना है कि जो भी चाहे वो नेता हो अधिकारी हो कोई भी इसमें अगर शामिल हैं तो उसको उस पर जो है कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और जिस प्रकार से 2016 से केएस राजू जो है वो अधीनस्थ चयन उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में चेयरमैन के पद पर तैनात थे और 2018-19 में बीपीडी और बीडीओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक हुए थे और उसका मामला जो है अब जिस प्रकार से उठा और उसके बाद जो है एसटीएफ की ओर से जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है तो उसमें जो है केएस राजू ने नैतिकता के आधार पर जो है अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। वहीं अगर तीसरी बड़ी खबर की अगर मौसम की बात की जाए तो प्रदेश में जिस प्रकार से ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, हालांकि आज जो है कई जिलों में जो है मौसम साफ बना हुआ रहेगा और कई जगह ये भी देखा गया है कि हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी अगर देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर धूप खिली हुई है लेकिन शाम ढलते ढलते जरूर यह देखा जा सकता है कि हल्की से मध्यम बारिश जो है देहरादून और हरिद्वार मैदानी इलाकों में जो है कई जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है और पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए
तो रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, इन जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार से पूर्व अनुमान भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि आने वाले कुछ समय तक जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी है कि कई जगहों पर जिस प्रकार से बारिश का सिलसिला जारी है तो ऐसे में जो नेशनल हाईवे हैं या छोटी जो बड़ी सड़कें हैं वो जरूर बाधित हो रही, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आपदा विभाग की टीम और पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की जो टीमें हैं वो लगातार सड़क मार्ग को खोलने में जुटी हुई है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अगर कहीं पर भी कोई घटना अगर हो रही है तो उन जगहों पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो उनको भी तैनात किया गया है। जी आशी जी, देखिए उपेंद्र, लगातार अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की बात कर ले तो आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, भी दिल्ली दौरे पर रहने वाले, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम है वो भी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, इसको लेकर के अभी क्या अपडेट? देखिए ऐसे जो दिल्ली दौरा है उसमें आज जिस प्रकार से बताया गया कि मुख्यमंत्री जो अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में जिस प्रकार से कार्यक्रम जो है केंद्र की ओर से जो है ये चलाया जा रहा है और उसमें हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के नारे के साथ जिस प्रकार से ये कार्यक्रम चलेगा, तो ऐसे में उस बैठक में आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उसके बाद जिस प्रकार से कल्चर प्रोग्राम भी होगा उसमें ये तय होगा कि आखिर जो हर घर तिरंगा और उत्तराखंड में कितने घरों में ये तिरंगा फहराया जाएगा, किस तरीके से योजना बनाई जाएगी, कैसे जो है भाजपा के कार्यकर्ता जो है घर घर जाकर जो है इस तिरंगे को फहराएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है एक कार्य समिति की बैठक जो है वो की जा रही है जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से जो है मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर जो है वो चर्चा होगी और किस तरीके से इस पर उस अभियान को जो है पूर्ण किया जाएगा इस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। जी चलिए उपेंद्र, स्वप्निल और गजेंद्र और सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।